के ऊपर लाठी चार्ज किया है, अभी आएगा तो उसको गाड़ देंगे यहाँ पर। आपका करें गाड़ दीजिएगा, हम पूरा गाड़ देंगे। फांसी के सजा तक देना चाहिए। और ये क्यों उपाय है, वो जो अधिकारी है उसको बेटा को उतना ही मारिए। उम्मीद है होगा, उम्मीद तो ना है, मोदी जी तो अपने साथ करवे ने किया, हमारियों के ना हो गए। बिल्कुल सही नहीं है, 4 साल का नौकरी है, कोई नौकरी नहीं है। मतलब नेता विधायक के भी 4 साल के कर देना चाहिए। हाँ, उसको भी 3 साल के कर दो, हम लोग 4 साल नौकरी कर लेंगे। जुड़े हुए हैं, जो कल पटना में डीएम के द्वारा एक अभ्यर्थी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, जिससे काफी ज्यादा ये दुखित है। क्या बोलना चाहेंगे वो ये डीएम अधिकारी को आप? ये तो बहुत बड़ा गलती है, हम लोग स्टूडेंट के साथ अत्याचार हुआ है, जो जो गलती किया है उसको सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए। और हम चाहेंगे कि ऐसे मतलब नहीं होगा, इसको बेटा का ला के यहाँ पर 4 डंडा मारे, वही उतना ही जितना वो पिटाया है। मतलब असूला वही में होगा ना? वही में असूला होगा, जितना हम लोगों का स्टूडेंट का उतना उसको बेटा का ला के पिटा जाए। मतलब वो अपना अधिकार के लिए, उसका अधिकार होता है रोजगार मांगने के लिए, गलती तो नहीं ना किया था? गलती नहीं किया था, सबसे पहला देश का अपमान किया है, झंडा लिए हुए था, अपने बचने के लिए हाथ में झंडा लिए हुए था कि हम बच जाएंगे, लेकिन वो झंडा को अपमान करते हुए, मतलब एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी है लेकिन झंडा को कोई मान सम्मान नहीं दिया, अपमान करते हुए वो लड़का को पीट रहा है। पीटा है उसको कड़ी से कड़ी, हमारे तेजस्वी जो है सरकार वो ले लिए, एक्शन ले लिए। तो तेजस्वी यादव के ऊपर आपको उम्मीद है कि कुछ करेंगे कार्रवाई? हाँ, बहुत उम्मीद है। इससे पहले बीजेपी की सरकार था, कहीं भी लाठी चार्ज होता था एक्शन नहीं लेता था। हाँ, इससे पहले कितने बार लाठी चार्ज हुआ है, ये नया बात नहीं हुआ है कल, लेकिन जब से तेजस्वी यादव का सरकार आया तब से मतलब एक्शन लेना शुरू हो गया है। हाँ, एक्शन तो पूरा ले रहे हैं। रोजगार मिलेगा? मिलेगा, पूरा मिलेगा, भरोसा है हम लोग, भरोसा है, उम्मीद है तेजस्वी यादव के ऊपर। देखिए, देश के युवा है और युवा की उम्मीद है तेजस्वी यादव जी, उम्मीद कोई के खोइएगा मत, उम्मीद के साथ आप मतलब पूरे देश के जनता के विश्वास जताए रखिए, एकदम जताए रखेंगे। इससे पहले बीजेपी की सरकार था जो कि लाठी चार्ज कहीं भी होता था देखा कर दिया। तो आप लोगों के मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग दोबारा वहां पर जा सकते हैं रोड पर धरना प्रदर्शन करने? दोबारा जाएंगे हम लोग, पूरा रैली निकाल। फिर आपको यदि मारा जाएगा तो क्या करेंगे? अब फिर मारा जाएगा तो हम लोग वहां धरना देंगे। अब बता सकते हैं कल जो अभ्यर्थी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय बात है, कड़ी से कड़ी इसको मैं निंदा करता हूं। अच्छा, मोदी जी के तरफ से अग्निपथ स्कीम लाया गया, आप उससे मतलब खुशी हैं कि दुखी हैं? वो बिल्कुल सही नहीं है, 4 साल का नौकरी है, कोई नौकरी नहीं है। मतलब नेता विधायक के भी 4 साल के कर देना चाहिए? हाँ, उसको भी 3 साल के कर दो, हम लोग 4 साल नौकरी कर लेंगे। कर लेंगे तो मतलब आगे क्या है तैयारी, क्या नौकरी लेना है? हम लोग का तो था आर्मी का, लेकिन अब इसे नजर उतर गया है, दूसरा चीज में लगे हुए हैं। और ये बिहार के जो छात्र हैं उन लोगों को मनोबल तोड़ने के लिए बिहार के प्रशासन से लाठी चार्ज करवाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, हम लोग अपना रोजगार मांग रहे हैं थोड़ी। अच्छा, यदि अधिकारी अभी आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे? अधिकारी से भी अपना मांग पूरी करेंगे। अभी आ जाए तो, जो कल मतलब अभ्यर्थी के ऊपर लाठी चार्ज किया है, अभी आएगा तो उसको गाड़ देंगे यहाँ पर। आपका करेंगे गाड़ दीजिएगा, हम पूरा गाड़ देंगे। तो देखिए, एकदम पूरा गुस्सा में है अभी। अच्छा, आप कितना दिन से नौकरी की तैयारी में लगे हैं? 8-10 साल से लगे हुए हैं। उम्मीद है होगा? उम्मीद तो ना है, मोदी जी तो अपने साथ करवे ने किया, हमारियों के ना होबे देगा। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, हंसी मजाक वाला ही बात बोलते रहते हैं। तो फिर मोदी जी को अब भारत से भी विदा करने वाले हैं? राम अवरी में विदा हो जाएंगे, बिहार से तो विदा कर दिए, आपकी भारत से हो जाएंगे, राम हो जाएंगे। राहुल गांधी को चढ़ा दीजिएगा आपकी। हाँ, राम चढ़ जाएगा अभी, राहुल। बिहार के मुख्यमंत्री आपकी कौन होगा? TSP होंगे, आप कौन?